हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे सब आप लोग? आज कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मुझे आपसे शेयर करनी है। हमने ऑटो के स्टार्ट कर दिया। ये मैट्रिक है, जैसे हम ट्रेडिशनली मैट्रिक में ही काम कर रहे हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग टेक्स्ट कैसे चेंज करते हैं, कलर कैसे दिखेंगे, लाइट डेप है, ये सब चीज़ें हमें इसके अंदर प्लान करनी है आज के लिए। तो कल में जैसे हमने कुछ फिगर्स बनाई थी, उन फिगर के अंदर हमने देखा होगा डायमेंशन के कलर्स आ रहे थे। और डायमेंशन के कलर्स कैसे आते हैं, लेट्स से एक रेक्टेंगल बनाते हैं। सबसे पहले बेसिक कलर्स कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, सर्कल बनाया, आर्क बना दी। ये सारी कमांड्स आपको बनाना मैं बता चुका हूँ। आर्क लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं, रेक्टेंगल लेना है ये रहा रेक्टेंगल, लाइन लेना आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट ये है कि लेट्स से मुझे इस लाइन को ऑफसेट करना है, कुछ भी डिस्टेंस दे दिया, राइट। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है, या इसका मुझे कलर चेंज करना है। तो आप जैसे भी किसी ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो हो जाती हैं। अब मुझे इसको सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रॉपर्टी टूल बार पर आप देखेंगे यहाँ पे है कुछ कमांड्स हैं, जैसे मैच प्रॉपर्टी, कलर चेंज कर सकते हैं आप किसी भी लाइन का। जो भी कलर आपको पसंद आता है आप इसके अंदर कलर ले सकते हैं। ऐसे ही इसकी लाइन टाइप है, लाइन वेट है। लाइन वेट जैसे मुझे लगता है कि मेरे को 0.5 चाहिए लाइन वेट, तो आप यहाँ से लाइन वेट 0.5 इसको सेट कर सकते हैं। इसकी थिकनेस लाइन वेट में ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे नीचे एक लाइन वेट का ऑन ऑफ का स्विच है। ऑफ करेंगे तो सब लाइन जितना मर्जी इसका वेट हो एक जैसी ही दिखाई देगी। जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो आपको थिकनेस अलग अलग दिखाई देगी। एस्केप करते हैं डीसेलेक्ट करने के लिए। फिर से मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसका लाइन वेट मैंने थोड़ा और ज़्यादा थिक कर दिया, राइट। ऐसे ही इसको पिक करते हैं, इसका लाइन वेट मैंने थोड़ा सा और आगे कम कर दिया या ज़्यादा कर दिया। तो जो भी उनका एक्चुअल लाइन वेट होगा वो आपको उस हिसाब से ये दिखेंगी। तो थिक लाइन बनानी है, और थिक बनानी है, या और कम बनानी है, तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब मुझे सारी लाइन्स एक जैसी चाहिए, तो हम लोग फिर सबको इकट्ठे पिक करके भी इसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी लेयर सेटिंग है, लेयर्स मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। लेयर सेटिंग के हिसाब से ये सबके कलर्स वगैरह सब चेंज कर देगा। ओके, सो सबसे पहली चीज़ थी हमारी कलर। कलर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ से कोई भी कलर जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं इसमें से। इसको पिक करते हैं, इसको मुझे ग्रीन करना है तो मैंने ग्रीन कर दिया। इसको पिक करना है, ये ऑलरेडी रेड है, बाद में दोबारा से चेंज कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप इसको चेंज करना चाहें। इसको पिक करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ कि मुझे लेट्स से ये मैजेंटा कलर में चाहिए, या ग्रीन कलर में चाहिए, या जो भी कलर सियान कलर में चाहिए, आप इसको ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे लाइन हो, आप दोनों कुछ भी ऑब्जेक्ट जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप उन सबके कलर्स इसी मेथड से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइन टाइप। लाइन वेट मैंने आपको बता दिया, नेक्स्ट आएगा लाइन टाइप। लाइन टाइप में क्या होगा, जैसे आपने इसको पिक किया, सबसे पहले आपको लाइन टाइप लोड करनी पड़ती है, क्योंकि लाइन टाइप बहुत सारे तरीके की हैं। ये सारे लाइन टाइप्स हैं, इसमें से जो जो आपको चाहिए, जैसे आपको हिडन चाहिए आपने हिडन लोड कर दिया। यहाँ जाते हैं अगर आपको सेंटर लाइन चाहिए तो आप सेंटर लाइन पिक कर देंगे। यहाँ जाते हैं अगर आपको लेट से डैश लाइन चाहिए या गैस लाइन चाहिए, ऐसे ही फिर आपने जो जो आपको चाहिए वो आप एक बार में सारी लोड कर देंगे। हॉट वाटर सप्लाई चाहिए, ओके कर देंगे, डन। अब आप जिसको भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे मैंने इसको पिक किया, इन दोनों को मैं चाहता हूँ ये गैस लाइन में कन्वर्ट होनी चाहिए। ये दोनों हमने पिक कर दिया, पिक करने के बाद हम इनको बोलेंगे ये गैस लाइन में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे ही ये दोनों हैं, इनको हम पिक कर रहे हैं, हम इनको बोलते हैं ये लेट से हमारी हॉट वाटर सप्लाई में आ जानी चाहिए। ऐसे ये है, मैं इसको भी पिक कर सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि लेट से ये मेरी हॉट वाटर सप्लाई में आनी चाहिए, इसको पिक कर देते हैं। तो जैसी भी आप लाइन टाइप इसमें से सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है या किसी में भी कन्वर्ट करना है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के अंदर क्या क्या था, सबसे पहले कलर, लाइन वेट, लाइन टाइप, ये तीन चीज़ें हर 2 सेकंड बाद हमें चाहिए होती हैं। ऐसे ही है मैच प्रॉपर्टीज। मैच प्रॉपर्टीज में क्या है, लेट्स से आपको इसको भी हॉट वाटर सप्लाई बनाना, ये ऑटो हॉट वाटर सप्लाई है, इसकी प्रॉपर्टीज इसके ऊपर पेस्ट करनी है। तो मैच प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप, इसको पिक करेंगे। अब इसके बाद जिस भी ऑब्जेक्ट को आप पिक करते जाएंगे वो वैसा ही बनता जाएगा जैसा हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट था। तो मैच प्रॉपर्टी बहुत जबरदस्त कमांड है, इसमें आप कैसा भी काम कर सकते हैं। ओके, सो ये हमारा कलर स्कीम थी, कलर, लाइन टाइप, टेक्स्ट, कलर, सॉरी, कलर, लाइन टाइप, लाइन वेट एंड मैच प्रॉपर्टीज। ऐसे हैं डायमेंशन, जब भी हम करते हैं तो डायमेंशन के अंदर हम लोगों को देखना पड़ता है
कि डायमेंशन में लेट्स से मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया 50, 40 का, या हमने जो कल ड्राइंग बनाई थी उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। डायमेंशंस के लिए मेनली कुछ रूल्स होते हैं, मैं आपको डायमेंशन कल वाली ड्राइंग ही ले लेता हूँ, एक्सरसाइज 2 आई बिलीव ये आप कंप्लीट कर चुके होंगे। और अगर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ डायमेंशन स्टाइल चेंज कैसे करेंगे। तो आपने कोई भी फिगर बना लिया एट द रेट ऑफ 60, 40, अगेन एक सर्कल बना देते हैं, एक आर्क बना देते हैं ऐसे। यहाँ पे अगर आपको फिलेट करना है, फिलेट रेडियस आप डिफाइन कर सकते हैं, 5 का 10 का जितने का भी आपने डिफाइन कर दिया। ऐसे कोई इंडिपेंडेंट आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में एंगल डिफाइन करना है, तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको फ्रीक्वेंटली चाहिए होती हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमें डायमेंशन स्टाइल में जाना होता है। आप यहाँ से जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पे आपको एनोटेशन के अंदर डायमेंशन स्टाइल मिल जाएगा, दिस इज डायमेंशन स्टाइल। तो पहला काम हम क्या करते हैं, डायमेंशन स्टाइल के अंदर हम लोग एक न्यू स्टाइल डिफाइन करेंगे जिसका नाम हम रख देंगे लेट्स से कुछ भी A1, B1, C1 कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। अगर नहीं भी रखते हैं तो एक करंट स्टाइल को चेंज कर देगा। अगर मैं कुछ भी नाम नहीं चेंज कर रहा हूँ तो एक करंट स्टाइल को चेंज कर देगा, जो चल रहा है वही है, उसको हमने मॉडिफाई कर दिया। तो पहला काम करेंगे मॉडिफाई में जाएंगे, हमें इसके अंदर लाइन्स हैं, डायमेंशन लाइन्स कौन से कलर में चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से मुझे ब्लू कलर में चाहिए, तो ये ब्लू कलर में डायमेंशन लाइन्स आ जाएंगे। एक्सटेंशन लाइन कौन से कलर में चाहिए, ग्रीन कलर में चाहिए। टेक्स्ट मुझे रेड कलर में चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ें डिटेल में अपनी ट्रेनिंग में बताते हैं, पर अभी क्योंकि 10-15 मिनट में वीडियो के अंदर मैं आपको लिमिटेड ही बता सकता हूँ। तो मैं बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको एटलीस्ट आज क्लियर कर देता हूँ। तो आपने डायमेंशन लाइन का कलर चेंज कर दिया, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, तो पहली चीज़ ही आपको ये कलर्स चेंज करने हैं। दूसरा होता है इसके अंदर टेक्स्ट, कि टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो किस कलर में आएगा। आपने रेड कलर में डिफाइन कर दिया, बट कैसा आएगा, उसका फॉन्ट क्या होगा। तो यहाँ से आप पिक करके यहाँ से न्यू फॉन्ट बना सकते हैं, T1, T2, T3 कैसे भी फॉन्ट्स। ये फॉन्ट्स कैसे बनते हैं, कैसे काम करते हैं, वो पूरी डिटेल में मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगा। तो हमने सिंपली एक फॉन्ट ले लिया एरियल फॉन्ट, इसके अंदर बहुत सारे फॉन्ट्स डिफाइंड है, जो भी फॉन्ट आपको लेना है आप इसमें से ले सकते हैं। नॉर्मली डायमेंशन के लिए हम रोमनस या एरियल यूज़ करते हैं, तो एरियल सबसे बेस्ट फॉन्ट है, फिलहाल आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या जो आपको अच्छा लगे आपकी चॉइस है। स्टैंडर्ड्स होते हैं कुछ, काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं हर कंपनी के, अपना टेम्पलेट स्टैंडर्ड्स होते हैं, टेम्पलेट मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। हाइट आपको नहीं देनी है यहाँ पे, विड्थ विड्थ आप 0.9 देंगे। ऐसे ही डायमेंशन के लिए हमेशा स्पेस कम पड़ता है, तो हम इसको थोड़ा सा कंप्रेस कम विड्थ में कंप्रेस कर देते हैं। दैट्स इट, आप इसको सेट करेंगे ओके, और इसको अप्लाई कर देंगे, डन। तो ये जो भी आपका स्टाइल है वो आपका इसके अंदर आप देखेंगे T3 आपने सेट किया, तो ये T3 के हिसाब से ऑटोमेटिकली इसने चेंज कर दिया। अगर आप स्टैंडर्ड लेते हैं तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहा है, तो जैसा भी आप करना चाहते हैं वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट की हाइट कितनी रखनी है, टेक्स्ट की हाइट हम फ्रीज कर देंगे, इतनी ही रखेंगे ओके। टेक्स्ट प्लेसमेंट कहाँ होगा, हम बोलते हैं कि ये टेक्स्ट हमारा सेंटर्ड होगा, सेंटर में रहेगा, यहाँ पे डायमेंशन लाइन के बीच में रहेगा। और कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इससे आपके डायमेंशंस के कलर्स आ गए हैं। अब आप क्या करेंगे, आप सिंपली डायमेंशंस करेंगे। डायमेंशन यहाँ देखिए, सबसे पहले है लीनियर डायमेंशंस, आपने बोला कि यहाँ से यहाँ तक डायमेंशंस करनी है कि लीनियर। लीनियर मतलब चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वर्टिकल हो, लीनियर हो सकता है। अगर आपके पास दो सर्कल हैं, इन दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट के भी देना है, तो आप इन दोनों सर्कल के सेंटर पॉइंट से भी लीनियर दे सकते हो। अगर आपको बोल देना है कि इन दोनों एंड पॉइंट से भी देना है, तो एंड पॉइंट से भी आप इसको इस तरीके से पिक करके लीनियर डायमेंशन दे सकते हो। तो डायमेंशन मतलब कोई भी पॉइंट्स, एनी पॉइंट्स, आप कोई भी पॉइंट हो सकता है इसका सेंटर हो सकता है ये वाला एंड हो, तो आप जहाँ भी एज पर ड्राइंग्स जो भी आप कस्टमर आपको ड्राइंग देता है उस ड्राइंग के हिसाब से आप डायमेंशंस करेंगे। और डायमेंशन करते टाइम कोशिश करिए कि इसका एंड पिक कर लेंगे, तो ये दोनों साथ में एक ही लाइन में एक ही सीक्वेंस में आएंगे। तो दिस इज लीनियर डायमेंशन। ऐसे ही हमारे पास अलाइन डायमेंशन है, अलाइन डायमेंशन हम यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन अलाइन कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास एंगुलर डायमेंशन, हम दो ऑब्जेक्ट कैसे भी ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच का एंगल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे एंगल डिफाइन करना है इस लाइन और इस सेंटर के बीच में राइट, मतलब इस लाइन के बीच में और इस सर्कल का जो ये वाला एंगल। अब डमी क्या है, हमारे पास लाइन नहीं है, तो उस केस में आप एक डमी लाइन बना सकते हैं ठीक है। उस लाइन की लाइन टाइप चेंज कर देते हैं, उस लाइन को आपने डैश लाइन या हेडल लाइन या कुछ भी आप बना सकते हैं ठीक है, मेरे को इस तरह की एक लाइन चाहिए।
लाइन टाइप में जाते हैं, अदर्स में जाते हैं, आपके पास लोड में जाएंगे, और लोड में आप कोई भी डैश डॉट लाइन ले लेते हैं। लेट्स से मैंने डैश डॉट लाइन ले ली, ओके ओके, और इसको हमने चेंज कर दिया लाइन को डैश डॉट में, राइट। अब हम इसकी डायमेंशन कर देंगे एंगुलर, इसके और इस सर्कल के बीच के अंदर ये हमें डायमेंशन है। डैश डॉट मतलब ये एग्जिस्टिंग लाइन नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, बट फिर भी मुझे इसकी डायमेंशन चाहिए, राइट। ओके, सो अगेन सेम इसमें जाते हैं, हमारे पास नेक्स्ट डायमेंशन है आर्क लेंथ। अगर आपको आर्क की लेंथ डिफाइन करनी हो तो आप आर्क की लेंथ डिफाइन कर सकते हैं, कितनी आर्क की लेंथ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेडियस, रेडियस आप इसको रेडियस डिफाइन करना है। ऐसे ही कहीं भी कोई भी डायमेंशन डालनी है, डायमेंशन कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी, बाहर जाएगी, और ऊपर जाएगी, जहाँ भी आप देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगेन डायमीटर है सेम एज रेडियस, डायमीटर भी है, ये डायमीटर का है, राइट। इसमें एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऑर्डिनेट डायमेंशनिंग का, ऑर्डिनेट डायमेंशन, ऑर्डिनेट डायमेंशन हम काफ़ी बार चाहिए होती है ऑर्डिनेट डायमेंशन, और ऑर्डिनेट डायमेंशन की बजाय हम लोग ज़्यादातर इसमें क्विक डायमेंशन यूज़ करते हैं। क्विक डायमेंशन से हमें बेनिफिट होता है कि हमें ये है क्विक डायमेंशन, आप कह सकते हैं मल्टीपल डायमेंशन या क्विक डायमेंशन। क्विक डायमेंशन में बहुत ज़्यादा आसानी से काम कर सकते हैं। लेट्स एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक मुझे सीएनसी लेथ पे कुछ काम करना है, तो मैंने एक फिगर बना दी यहाँ पे, मैंने एफ एल शेप ले लिया, मैंने बोला ये मेरा टर्निंग का कुछ कंपोनेंट है, और इसके मुझे सारे जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं इसके अंदर, यहाँ पे रेडियस करते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं मुझे वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिलेट कर देते हैं इनके बीच में जो भी फिलेट्स हैं, और इसको इसके साथ फिलेट रेडियस थोड़ा छोटा कर देते हैं, डन। अब मुझे इसके सारे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, और ये वाला मेरा जीरो पॉइंट है। ये जीरो पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसको पहली चीज़ जीरो बनाना है। अगर मैं इसको देखता हूँ ऑर्डिनेट डायमेंशन में जाते हैं, ऑर्डिनेट डायमेंशन में इसको पिक किया तो ये जीरो नहीं है, इसकी एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ये एक्स में आ रहा है 245 और वाई में आ रहा है इतना। तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि इसको जीरो बनाएंगे, तब हमारे कोऑर्डिनेट सारे आएंगे, या मुझे इसको जीरो बनाना है, वो आपकी चॉइस है, आप जैसे भी इसको करना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत सिंपल मेथड है, आप UCS कमांड देंगे, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारा यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये मुझे यहाँ पे चाहिए, UCS एंटर, हम बोलते हैं मुझे यहाँ पे चाहिए। तो जहाँ पे आपने रख दिया, x किधर जाएगा, x इधर जाएगा, y उधर जाएगा, एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब आप ऑर्डिनेट डायमेंशन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज आपकी जीरो हो गई। इसका मतलब बाकी सारी ड्राइंग भी अब इन पॉइंट्स के हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा, और इतने सारे पॉइंट्स इसमें बनते हैं। कहीं पे चैम्फर है, चैम्फर भी लगाना बहुत आसान है। चैम्फर में हम जाएंगे, आपने डिस्टेंस दे दिया, लेट्स से आपने 2 mm का या 5 mm का डिस्टेंस दे दिया, उसके बाद आपने बोला चैम्फर करना है मुझे इस लाइन और इस लाइन के बीच में, इस लाइन के बीच में और इसके बीच में, तो आप चैम्फर कहीं भी लगा सकते हैं। अब हर एक पॉइंट की मुझे वैल्यू चाहिए, हर एक पॉइंट की मुझे रेडियस चाहिए। वो CNC ऑपरेटर जब प्रोग्राम बनाता है तो उसको ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं। तो उसके इसमें बहुत ही सिंपल तरीका है, हम क्विक डायमेंशन में जाएंगे, डिम में जाएंगे, और आप यहाँ देखिए नीचे आ रहा होगा ऑर्डिनेट डायमेंशन, ओ टाइप करेंगे। अब आप ऑर्डिनेट डायमेंशन में आप क्या कर सकते हैं, आप इसको पिक करके कहीं भी डायमेंशन डाल सकते हैं, राइट, एक एक पॉइंट को डाल सकते हैं। तो एक मेथड ये है, दूसरा मेथड है क्विक डिम। यह है आपका सिंपल डायमेंशन देगा, इसमें सारे फीचर्स आ रहे हैं। क्विक डिम में क्या है, आप इसको सबको पिक करेंगे क्विक डिम में, एंटर, इसके बाद आप ऑर्डिनेट टाइप करते हैं तो ये सारी की सारी डायमेंशन एक बार में दे देगा, राइट। क्विक डिम प्रीवियस, इसको आपने इधर पिक कर दिया, राइट। तो ये डायमेंशन करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ऐसे अगर आप देते हैं प्रीवियस एंड रेडियस टाइप करते हैं तो ये सब रेडियस ले लेगा, मैंने इनको पिक कर दिया, एंटर, मैंने बोला कि रेडियस देना है मुझे आर, रेडियस के बाद देखिए सबके रेडियस आपको एक सेकंड में मिल जाएंगे, तो जितने भी फिलेट्स होंगे जितने भी। तो इस तरीके से ड्राइंग बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आपको आज का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था कि आप कलर्स कैसे डालेंगे, कलर्स, लाइन टाइप, लाइन वेट, डायमेंशन कलर, डायमेंशन किस तरीके से करेंगे। तो जो भी आपने कल की क्लास में फिगर्स बनाई थी, आप उन फिगर को यूज़ करके आप उनके ऊपर कुछ भी करना चाहें आप कर सकते हैं, ओके। इसके साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, देखिए अभी लॉकडाउन है तो हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास CNC मशीन्स भी हैं। अगर हम बात करें तो मेरे पास हमारे पास CNC, BMC, रोबोटिक्स, सब चीज़ें अवेलेबल हैं। उसमें आप सब चीज़ों पे आप प्रॉपरली ट्रेनिंग ले सकते हो।
जैसे मैं अगर रोबोट की बात करूं तो हमारे पास ये फानुक का रोबोट अवेलेबल है, तो हम देख सकते हैं फानुक रोबोट सिस्टम है। इसमें सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मैंने इसका पेन ले लिया, हम लोग अगर इसको पेन से लिखना है तो ऑटोमेटिकली पेन से आप इसको कुछ बोल सकते हैं। इसके बाद हम इसका अगर पेन कुछ और देना चाहें, जैसे कि आप चाहते हैं कि मुझे लेट से इससे वेल्डिंग करानी है तो हम इसे वेल्डिंग करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको हमने पिक एंड प्लेस का करना है तो पिक एंड प्लेस और फिर नया पार्ट भी लोड करेगा। हमारे पास रोबोट है जो ये फानुक्स कंपनी का रोबोट है, दिस इज फानुक कंपनी का। इसमें हमारे पास तीन अटैचमेंट है, सबसे पहला है मिग वेल्डिंग का, स्पॉट वेल्डिंग का और हैंडलिंग टूल। हैंडलिंग टूल से आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के इधर से उधर रख सकते हैं, चाहे वो सीएनसी के साथ सिंक करें, चाहे कहीं भी कुछ करें। स्पॉट वेल्डिंग में आप स्पॉट वेल्डिंग कर सकते हैं, मिग वेल्डिंग में आप मिग इन्होंने क्या किया, सिंपली एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया, उसके बाद वेल्डिंग करनी है कुछ भी करनी है तो ये सारा काम हमारे पास अवेलेबल है। तो ये सिंपल था कि हमारे पास रोबोट अवेलेबल है। अगेन अगर आपको सीएनसी सीखना है, सीएनसी प्रोग्रामिंग, तो हमारे पास सीएनसी मशीन्स अवेलेबल हैं, जैसे हमारे पास सी ए वीएमसी मशीन है, ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सीएनसी मशीन्स भी अवेलेबल हैं, दिस इज सीएनसी। सीएनसी पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए टू ले के जेड तक स्टूडेंट से प्रोग्रामिंग कराते हैं, जैसे ऑपरेटिंग कर रहा है, सेटिंग कर रहा है, सेटिंग करने के बाद उसने अपना प्रोग्राम बनाया है, मशीन के ऊपर प्रोग्राम को चेक करके देखते हैं। अगर मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ध्यान से देखिए, इसका थंब जो है वो मॉनिटर के ऊपर रखा हुआ है, यहाँ देखिए थंब मॉनिटर के ऊपर स्टॉप बटन पर रखा हुआ है, तो कुछ भी दिक्कत आएगी इसको प्रोग्राम में तो इमीडिएटली, वैसे ये प्रोग्राम को सिमुलेट कर चुका है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी कई बार होता है कि कोई टूल चिप ऑफ हो रहा है या टूल गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। ये सारे हमारे स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स को रिकॉर्डिंग, हम लोग मटेरियल देते हैं, रॉ मटेरियल, ये सब चीज़ें हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो किसी भी मशीन के ऊपर, चाहे सीएनसी बनाना है, वीएमसी है, ये लाइब्रेरी के स्टूडेंट्स बना रहे हैं, तो ये सारा काम हमारे पास अवेलेबल है। बट ये सब चीज़ें आप तभी सीख पाएंगे जब आपके पास मशीन्स होगी, राइट। फिलहाल मशीन्स के ऊपर ऑनलाइन ट्रेनिंग ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, आप कभी भी ज्वाइन करना चाहें लॉकडाउन खुलने के बाद तो आप हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, कल फिर मिलते हैं।